हाय सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा मेट्रो स्टेशन इन वन पॉइंट परस्पेक्टिव। ठीक है, हम मेट्रो स्टेशन बनाएंगे और कुछ ह्यूमन फिगर्स भी बनाएंगे वन पॉइंट परस्पेक्टिव में। तो कैसे बनाना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सो गाइस, एक फ्रेम मैंने बना लिया है। तो बेसिकली पेपर A3 साइज़ का है हमारा, बट फ्रेम थोड़ा छोटा बनाया मैंने। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप सेम चीज़ को बड़ा करके बना सकते हैं, छोटा करके बना सकते हैं, बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो मैं कैसे बना रहा हूँ। मैं एक हॉराइज़न बना रहा हूँ, तो हॉराइज़न ऑलमोस्ट जो मेरा फ्रेम है उसके बीचों बीच है। ठीक है, अब मैं एक वैनिशिंग पॉइंट बनाऊँगा और आप पोजीशन नोटिस करना वैनिशिंग पॉइंट्स की, और फिर वहाँ से जो लाइंस लूँगा मैं वो फ्रेम में किस जगह आ रही है। ठीक है, कॉर्नर्स में देखना, अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सो गाइस, अब जो मैं लाइंस ड्रॉ करूँगा वैनिशिंग पॉइंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, ये मेट्रो के ऊपर और नीचे वाली लाइंस हैं। ठीक है, तो आप देखना वो फ्रेम के कहाँ जाके टच हो रही है। तो ऊपर वाली लाइन ऑलमोस्ट कॉर्नर पे टच हो रही है, और जो नीचे वाली लाइन होगी वो बेस के लगभग 1/3 पे टच होगी। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस एक मेट्रो बना देनी है इन लाइंस के अंदर। ठीक है, लाइन से बाहर नहीं जानी चाहिए, जो लाइंस हैं इसके अंदर होनी चाहिए, और बस एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाना है, डिटेल नहीं करनी है अभी। देखो, अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आया है, हमें ह्यूमन फिगर्स बनाने हैं मेट्रो स्टेशन पे। तो उसके लिए कैसे शुरुआत करनी है, मतलब कहाँ से शुरू करें, पहला ह्यूमन फिगर कैसे बनाएं। सो गाइस, उसके लिए हमें एक इंसान बनाना होगा जो पहले वाले गेट के सामने खड़ा है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कोई इंसान गेट के सामने खड़ा है, तो उसके लिए जहाँ से गेट पर एंटर करते हैं ना, ठीक है, उसके लेवल में उसके पैर होंगे, और जो उसका सिर होगा वो होगा हॉराइज़न पे, इस तरह से जैसे आप इसमें देख रहे हो। सो हमारा एक ह्यूमन फिगर बन गया। अब इसकी मदद से हम कितने भी ह्यूमन फिगर बना सकते हैं। सो गाइस, हमें कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं होराइज़न पे कहीं से भी एक वैनिशिंग पॉइंट चूज़ कर रहा हूँ, वहाँ से लाइंस एक्सटेंड करूँगा इस ह्यूमन फिगर के सर को और पैर को टच करते हुए। वो जो लाइंस होंगी, फिर उसके बीच में कहीं भी मैं एक और ह्यूमन फिगर बना दूँगा। सो गाइस, अब जो मैंने ह्यूमन फिगर बनाया है, मैं इसकी मदद से एक और फिगर बना सकता हूँ। लाइन को मैं थोड़ा हॉराइज़न लाइन को एक्सटेंड कर रहा हूँ फ्रेम से बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब मैं एक वैनिशिंग पॉइंट बनाऊँगा और फिर से इस नए वाले ह्यूमन फिगर के सिर और पैर को टच करूँगा, जैसा आप देख रहे हो इसमें। अब फिर जो ये दोनों लाइन्स हैं, इसके दरमियान में एक फिगर और बना दूँगा मैं। और इस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए आप एक वीडियो देख सकते हैं, पर्सपेक्टिव पे मैंने ऑलरेडी बना रखी है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो इस तरह से मैं कुछ और ह्यूमन फिगर्स बनाऊंगा और उन्हें फेयर कर दूंगा। तो ह्यूमन फिगर किस तरह से बनाने हैं वो ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ह्यूमन फिगर्स कंप्लीट होने के बाद आपको मेट्रो की ड्राइंग को अच्छे से डिफाइन कर देना है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं करनी है। उसके लिए आप अलग से आपको मेट्रो की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इमेज डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से, या फिर जो मैं बनाऊंगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, मेट्रो भी हमारी बन चुकी है, ह्यूमन फिगर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें इरेज कर दूंगा, और जो फ्रंट पे थोड़ी सी लाइंस ड्रॉ कर दूंगा पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, और थोड़ी थोड़ी बहुत शेडोज मेट्रो की। अब उसके बाद मैं जो लोहे की कवरिंग होती है, आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन पे, वो बना रहा हूँ, और उनमें मुझे पर्सपेक्टिव बनाना है। ठीक है, पर्सपेक्टिव में बनाना है, जो पास वाली हैं
उनमें गैप दिखेगा, और जैसे दूर जाएंगी वो एक दूसरे थोड़ी करीब होंगी, ठीक है, जिस तरह से आप इसमें देख रहे हैं। सो गाइस ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, मैं हल्की हल्की सी डिटेलिंग कर रहा हूँ, चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ थोड़ा फिनिशिंग देने के लिए, और बाद में ये ह्यूमन फिगर्स हैं उनमें थोड़ी सी शेडिंग कर दूंगा, उससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी और उससे थोड़ा सा पर्सपेक्टिव का पता चलेगा ह्यूमन फिगर्स के दूर और पास होने का, और उनकी बाद में हल्की सी शेडोज़ बना दूंगा। सो गाइस ये मेट्रो स्टेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है लैंडस्केप मोड में, बट अगर पोर्ट्रेट मोड में बनाने के लिए आ जाए तो कैसे बनाएंगे आप, तो घबराना नहीं है, ठीक है, वो कैसे बनाना है पोर्ट्रेट मोड में वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो उसके लिए मैंने एक पोर्ट्रेट मोड में फ्रेम ड्रॉ कर रखा है। अब मैं क्या करूँगा, सेम पहले की तरह एक हॉराइज़न बनाऊँगा, वो ऑलमोस्ट मिडल में बना रहा हूँ, ठीक है, फ्रेम के। फिर उसी तरह से मैं वैनिशिंग पॉइंट लूँगा, फिर उसी तरह से मैं मेट्रो की लाइंस लूँगा, ठीक है, ऊपर नीचे वाली, तो वो आप देखना कहाँ पे फ्रेम में टच हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो गाइस इस पर्सपेक्टिव को आप इस फोटो की मदद से समझ सकते हैं, जो मैंने पहले वाली मेट्रो बनाई थी उसे आप इससे रिलेट कर सकते हैं, जो फोटो में आप पहले वाला हाथ देख रहे हैं, ठीक है। पर जो मैं दूसरी मेट्रो बनाने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह से होगी, जो आप दूसरा वाला हाथ देख रहे हैं फ़ोटो में, ठीक है, मतलब इसमें जो है जो अब जो मेट्रो बनाने जा रहा हूँ दूसरी वाली, ये इसका पर्सपेक्टिव ज़्यादा शार्प होगा इस कम्पेयर टू प्रीवियस वन। सो गाइस पर्सपेक्टिव शार्प होने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो मेट्रो बना रहा हूँ वो ज़्यादा साइड से नहीं होगी, थोड़ी सामने से होगी, और साइड का पोर्शन कम दिखेगा, तो क्या होगा ज़्यादा फैलेगी नहीं, ठीक है, वो पोर्ट्रेट मोड में आ जाएगी। सो वैनिशिंग पॉइंट मैंने बना लिया है, और ऊपर नीचे वाली लाइन मेट्रो की मैंने बना लिया है। अब उसके बीच में मैं एक मेट्रो बनाऊंगा, जस्ट रफली बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ड्राइंग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंप्लीफाई करके बनाना है जैसे मैं बना रहा हूँ इस तरह से, और शेडिंग वगैरह नहीं करनी, बस लाइन्स बनानी है साफ़ सुथरी। लाइन्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने ह्यूमन फिगर वाली वीडियो में बताया था, जिसने देखी होगी उसे पता होगा शायद। सो गाइज मेट्रो हमारी बन चुकी है, अब मैं ह्यूमन फिगर बनाऊंगा, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने पहले बनाया था, बस एक ह्यूमन फिगर बनाना है, फिर उसकी मदद से आप कितने भी ह्यूमन फिगर्स बना सकते हैं। सो गाइज मेट्रो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ह्यूमन फिगर्स भी बन गए हैं। अब मैं लोहे की कवरिंग बना रहा हूँ, जिस तरह से मैंने पहले मेट्रो स्टेशन में बनाई थी, तो आई होप इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर मेट्रो स्टेशन या फिर रेलवे स्टेशन पोर्ट्रेट मोड में बनाने के लिए आता है तो आप किस तरह से बनाएंगे। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, तो इसी तरह से मैं और ट्यूटोरियल्स आपके लिए लाता रहूँगा, और इंशाल्लाह जल्दी बनाने की कोशिश करूँगा, बस थोड़ी सी ठंड है इसलिए हाथ ज़्यादा काम नहीं करे अच्छे से, बट थोड़ा जल्दी लाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।